लाल किला आखिर क्यों है इतना खास और यह विवादित में क्यों रहा, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान और शोहरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लाल किले का निर्माण पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में किया था। इस किले का मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुगलों की यह रिहायशी इमारत कभी अपने तो कभी परायों के हाथ में रहा। बहुत से लोगों ने इस पर राज भी किया। मशहूर बादशाह शाहजहां जब आगरा से दिल्ली आया तब दिल्ली में एक नई राजधानी बनाने के बारे में विचार कर रहा था। तभी उसने नई दिल्ली में एक आलीशान किला बनवाने का हुक्म दे दिया। केंद्र सरकार ने अपनी एक स्कीम एडॉप्ट हेरिटेज के तहत लाल किले को 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया और यह डील 25 करोड़ में साइन हुआ। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करा जा सकेगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लाल किला ध्यान में आते ही सबसे पहले कुछ समझ में आता है तो वो है 15 अगस्त 1947 की रात, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराकर लाल किले से आज़ादी का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर सिखों का एक धार्मिक झंडा निशान साहिब लगा दिया गया कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन सरकार पर उठता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को जो रूट दिया था उसमें लाल किले तक जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके मुताबिक किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिसने प्रदर्शन किया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, किसानों को इसमें समेटना कितना सही है। हालांकि किसान के लाल किले में हुई हिंसा और झंडा फहराने से संबंधित FIR में एक्टर दीप सिंधु समेत लखा सिधाना का नाम दर्ज किया है। वही दीप सिंधु जो एक्टर सनी देओल के साथ हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन आज खुद गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे और मेरे परिवार का इससे लेना देना नहीं है। भारत के लिए इसे काले दिन बताते हुए कुछ ट्विटर और फेसबुक यूजर ने यह दावा किया है कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। कुछ ने दावा किया कि भारतीय तिरंगे झंडे को हटाकर वहां पर किसानों से अपना झंडा फहराया दिया। हालांकि इनमें से कई पोस्ट बाद में डिलीट भी कर दी गई, लेकिन महाकवर ने फैक्ट चेक किया तो फैक्ट चेक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर जो झंडा फहराया वह खालिस्तानी झंडा नहीं बल्कि सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब था। निशान साहिब में प्रतीक चिन्ह के रूप में खंडा यानी दोधारी तलवार होता है, जबकि खालिस्तानी झंडे पर खालिस्तानी लिखा होता है। भारत का प्रतीक माने जाने वाला लाल किला, अगर ऐसी हिंसा घटना वहां पे हुई है तो जिसने यह हिंसा किया है उस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं था आपके साथ अनीस राज और महाखबर देख रहे थे आप। नमस्कार।